इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश के आर्थिक चक्र को चलाने के लिए अहम है। भारत अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी, हिस्ट्री और विशाल जनसंख्या के साथ ग्लोबल ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। आइकॉनिक कार से लेकर हाईटेक टेक्नोलॉजी तक भारत के पास सब कुछ है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, जिसके पीछे चाइना, अमेरिका और जापान आते हैं। भारत के 1.3 बिलियन की आबादी के साथ कार सेल्स और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। हर दिन कुछ नया लॉन्च होने के साथ भारत में फेमस आइकॉनिक कार्स लोगों के लिए स्पेशल है। इन स्पेशल कार के साथ उनके मजेदार अमेजिंग फैक्ट्स उतने ही इंटरेस्टिंग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन कार्स के कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत से ही बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार के अंदर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर जैसी कंपनियां वास्तव में भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा थी। फिर कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बना पाई और वापस लौट गई। ऐसी ही एक कंपनी थी जिसका नाम था देवू। इस कंपनी ने अपने कारों का मार्केटिंग करने के लिए बहुत कुछ किया था। उसी में कंपनी ने लकी ड्रॉ के तहत 200 डेवूज सिलूस कार्स को 18 महीनों के लिए यानी करीबन 1.5 साल के लिए फ्री टू यूज रखा था, जहां पर सिलूस कार को आप लॉन्ग टेस्ट ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि बहुत आश्चर्य की बात है। पर अनफॉर्चुनेटली देवू ये कंपनी आज भारत में नहीं। देवू सिलूस ऐसी पहली कार थी जिसमें नई MPFI सिस्टम का यूज किया गया था। ऐसा हर वक्त कहा जाता था कि टाटा मोटर्स की क्वालिटी बेहद खराब है। शुरुआती दिनों में पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से टाटा मोटर्स के कार्स में क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। टाटा इंडिका के अंदर शुरुआत में दिक्कतें थीं, जिन्हें बाद में जाकर फिक्स तो किया गया था, पर टाटा का नाम खराब था। आजकल भले ही टाटा के कार्स में क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पर साल 2011 में टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जहाँ पर टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट 2010-11 में महिंद्रा मैक्सिमो इस मिनी वैन का स्केच था, जबकि यहाँ पर टाटा वेंचूर का स्केच होना चाहिए था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 140 बार 140 पन्नों पर महिंद्रा मैक्सिमो का स्केच था, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और इसमें मजाक की बात तो यह है कि टाटा मोटर्स के डिपार्टमेंट ने इसे महिंद्रा मैक्सिमो के साथ पब्लिश करके अपनी गलती को साफ इनकार कर दिया था। फियाट उनो, आज भले ही यह नाम आपने ना सुना हो और शायद ही इस कार को देखा होगा, पर एक समय ऐसा भी था जब फियाट मोटर्स इंडिया का नंबर वन कार मैन्युफैक्चरर था, जिसमें फियाट उनो का बड़ा हाथ था। फियाट 1100 के बाद फियाट उनो मार्केट में 1990s के दशक में आई थी। उनो को भारत कम्प्लीटली इंपोर्टिंग के जरिए लाया गया था। कार के अंदर एक अलग ही क्लास था, प्रेजेंस था, और इसके कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 1.7 लीटर डीजल इंजन था, जो 58 BHP की पावर और 100 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। फियाट उनो ऐसी पहली हैचबैक है जो डीजल में लॉन्च हुई थी। इस इटालियन हैचबैक की डिमांड ज्यादा थी कि 90s के दशक में इसकी 2.9 लाख बुकिंग्स हो गई थी, पर कुछ दिक्कतों की वजह से फियाट उनो हर एक कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाई। कार के बढ़ती डिमांड को पूरा करना फियाट के लिए मुश्किल था। बहुत लोगों के बुकिंग डिपॉजिट अमाउंट्स लोगों को खोने पड़े थे। आज भले ही इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी का पिलर है, पर एक समय इंडियन इंडस्ट्री पूरी नई थी। नए से उभरते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट नई ऑटोमोबाइल कंपनीज को सपोर्ट करने लगा था। 1985 के अंदर नई स्टैंडर्ड मोटर्स स्टैंडर्ड 200 इस कार को लॉन्च किया था। ब्रिटिश रोवर SD1 पर आधारित स्टैंडर्ड 200 एक लग्जूरियस कार थी, जिसकी प्राइस 1985 के अंदर 2,12,000 रुपीज थी। इसी समय हिंदुस्तान कॉन्टेसा की प्राइस 84,000 रुपीज थी। कार के अंदर 2 लीटर का पावरफुल इंजन था, जिसकी टॉप स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर की थी। इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड 200 पहली ऐसी कार थी जिसमें इलेक्ट्रिक पावर विंडोज, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पावर स्टीयरिंग जैसे बहुत से नए फीचर्स थे। अगर आप इस स्टैंडर्ड 200 कार और इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टोयोटा, ऐसे जैपनीज ऑटोमेकर के लग्जूरियस कार्स भारत के अंदर अपनी रिलायबिलिटी, कम्फर्ट, फीचर्स की वजह से फेमस है। टोयोटा कोरोला उसी में से एक है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि टोयोटा कोरोला इस 25 लाख के कार के अंदर टोयोटा ट्यूबलेस टायर्स नहीं बल्कि विद ट्यूब टायर्स देता है, जो कि 25 लाख के लग्जूरियस कार में नॉर्मल ट्यूब टायर होना
थोड़ी सी अजीब बात लगती है। तो दोस्तों यही थे वो कुछ इंडियन कार से रिलेटेड कुछ अमेजिंग अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।